मेरा नाम फैसल हारून है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद हामिदी साहब। ये एस काम दी लाइव की पहली वेब कॉन्फ्रेंस है। इसका मकसद ये है कि हम दुनिया भर से लोगों को एक मौका फराहम करें कि वो अपने सवाल गांधी साहब से बराह रास्त कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले चंद अहम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा कि सबकी बारी ना आ पाए सवाल करने के लिए। तो मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, इसमें से मैं बगैर किसी प्री स्क्रीनिंग या किसी डिस्क्रिमिनेशन के रजिस्ट्रेशन के डेट और टाइम की तरतीब से लोगों को मौका दूंगा कि वो सवाल कर सकें गांधी साहब से। इसमें जो अहम बात है वो ये कि जो आपका नाम एस गांधी की प्रोफाइल में डिस्प्ले होता है वही नाम आपका जूम में भी डिस्प्ले हो रहा हो। तो जूम में अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, अपने नाम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसको रीनेम कर लीजिए। दूसरी बात ये कि आपका आपका जब मौका हो सवाल पूछने का तो आपके पास अबाउट 30 सेकंड होंगे सवाल पूछने के लिए, और मेरी आपसे दरखास्त ये होगी कि बड़ा मेहरबानी सिर्फ एक सवाल पूछिएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे नजर आ रहे हैं? तो ये लोगों को लॉग इन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम चाहते हैं कि सारे लोग लॉग इन हो जाए। तो इतने दो तीन मिनट में मैं आपसे अगर एक सवाल पूछ लूँ आपकी इजाजत हो। ये एस क्रांति में हमारी यूथ के साथ बड़ी इंटरेक्शन रहती है, और इसके अलावा भी जैसे संडे स्कूल में हम जो कोर्सेज ऑफर करते हैं तो मैं देखता हूँ यूथ जो है वो किस तरह के सवाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज हम ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो यूथ जिस तरह के सवाल करते हैं, जो उनका जो उनके जहन में जो चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा अंदाजा उसका करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो ये इस बात का मुझे रह रहा है कि एहसास होता है कि माशाल्लाह हमारी यूथ इंटेलेक्चुअली इतनी स्ट्रांग है, उसके अलावा इतनी मेहनत करते हैं वो, मतलब जहाँ एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म टाइप के फलसफे को तस्लीम किया गया है, दूसरी तरफ जो है वो एथियज्म की तरह के नजरियात का चर्चा है, तो इसके अंदर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि दीन को समझें, उसके अंदर मेहनत करें, उसको डिफरेंट नजरियात को वो सीखने की कोशिश करें। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि यूथ ऐसा वो क्या काम करें या ऐसी कौन सी चीजें जिनसे वो अवेयर रहें जिससे उनकी ये जो जस्तजू है उसमें कदर आसानी है। नजदीक जब आप किसी चीज को जानना समझना चाहते हैं तो ये पहले तय करना चाहिए कि उसको समझने या उसको जानने के असल सोर्सेस क्या है। ये हो सकता है कि साइंस की किसी चीज के बारे में बिल्कुल ही नावाकिफ आदमी जो बातें कह दे और आदमी को गलत राय कायम कर ले, किसी मजलिस में बैठे हुए लोग महज गपशप के अंदाज में कुछ खबरें नशर फरमा दे और उससे कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। तो हर आदमी जो संजीदा तालब इलम है वो सबसे पहले ये फैसला करता है मुझे कोई चीज़ अगर सीखनी या समझनी है तो कहाँ से सीखनी है, समझनी तो उन सोर्सेस को मुतयन करना चाहिए। दीन को जानना है तो उसकी सोर्सेस क्या है, किसी और इलम को सीखना है तो उसके असल माखज़ सोर्सेस को आप कहते हैं कहाँ पाए जाए। पहली बुनियादी चीज़ वो अफराद भी हो सकते हैं, वो किताबें भी हो सकती हैं, वो कोई माजी का इलम भी हो सकता है, लेकिन असल सोर्स को मुतयन करना जरूरी है। साइंस में भी, समाजियात में भी, इलामियात में भी, हर इलम में पहली जरूरत यही है। दूसरी चीज ये है कि तसव्वुरात आदमी ने कायम किए हो, वो मजहबी हो या गैर मजहबी, उनको एक तरफ रख के चीज़ों का मतलब शुरू करना चाहिए। इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अनलर्न करे जी, जो चीज़ें वो पहले जानता है उनको आसानी से छोड़ने के लिए, लेकिन
अकेलों के मामले में ये तीन यूनिट है, जब आप किसी चीज को सीखने का इरादा करते हैं तो जो कुछ आप पहले जानते हैं उसको एक तरफ रखते हैं और फिर कोशिश करें कि आप बिल्कुल गायास समझे वहाँ बात क्या है, कैसे ज्ञान की गई है, उसके दलाइल क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है, ये दूसरी चीज भी बहुत जरूरी है। इसकी कोई मशकें हैं सर, मतलब ये किस तरीके से इंसान को ये अचीव करना चाहिए, मतलब वो बस कॉन्शियसली इस बात को अवेयरनेस हो उसके पास कि मैं अपनी चीज को अनलर्न करके, और जो चीजें इंसान जानता है उनको वो जानता ही है, उसे मालूम होता है, और अगर वो थोड़ी देर के लिए इस पर एक निगाह डालेगा कि मैं ये कैसे जानता हूँ, तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने कोई चीज़ कहाँ से सुनी हुई है, कहाँ से समझी हुई है, वो उसको एक तरफ रख दे जी, और जिन सोर्सेस से अब वो कोई चीज़ सीख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, बगैर किसी तासुब के उनका मताला करे, उनको जानने की कोशिश करे। और तो दूसरी जो लाजमी चीज़ है वो ये है, तीसरे ये कि हर चीज़ जब आप छोड़ते हैं या इख्तियार करते हैं उसके कुछ असरात होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उससे मुतासर होती हैं, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, यानी नतीजे के लिहाज से ना चीज़ों को लेना चाहिए ना तर्क करना चाहिए। ये ख्याल करके कि अगर मैंने ये बात छोड़ दी तो ये हो जाएगा और मान ली तो ये करना पड़ेगा, तो जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं हो जाते किसी हक के लिए भी इंसान कोई कदम नहीं उठा सकता। राइट, ये लाजमी और ज़रूरी चीज़। और आखिरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ को भी आप जानते हैं उसमें अगर मदद की ज़रूरत पड़ जाए, यानी किसी किताब को समझने में, किसी नुक्ता नज़र को समझने में, पुराने मुफक्किरीन की किसी चीज़ को समझने में, तो वहाँ अपने ज़माने के अगर लोगों में से इंतखाब करना पड़े तो वो इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें। सुनने को तो हर शख्स को सुने, पढ़ने को हर शख्स को पढ़े, लेकिन ये देखें कि आपके ज़माने में ऐसे कौन से लोग हैं किसी ख़ास इल्म में, वो दीन है या कोई और इल्म है, जो वाक़ियतन इसी तरह से जैसे मैंने पहली चीज़ें बयान की हैं चीज़ों को समझते और जानते हैं। उनसे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जानने का तरीका यही है कि बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया जाए, और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो ऐसे लोग हर दौर में पैदा करता रहता है जी। तो बस ये चंद चीज़ें जिनका अगर ख्याल रखें तो उम्मीद यही है कि अल्लाह भी तौफीक देगा, सही रास्ता भी समझ में आएगा। हमारे लिए जो दुआ है इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम की, वो हम बार बार करते हैं, हर रोज़ करते हैं, बल्कि हर नमाज में करते हैं, तो वजह क्या है? वजह वही है कि ना सीधे रास्ते को पाना इतना आसान काम है, ना उस पर कायम रहना आसान है। सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए वो बंदे का हाथ पकड़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, ये तो बड़ी वैल्यूबल एडवाइस आपने दी है। तो हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है शाहिद अशरफी साहब का। तो शाहिद अशरफी साहब, फरहान साहब अगर आप इनका माइक अनम्यूट करें, शाहिद अशरफी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ज़कात के मुतालिक है। मुझे ज़रा इश्काल है तनख्वाहदार लोगों के लिए जो ज़कात की कैलकुलेशन का आपका तरीका है उसमें एक तो निसाब पे थोड़ा सा है मुझे शक, ख्याल के मुझे सही नहीं मालूम, और दूसरा ये कि उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें ग्रॉस सैलरी को पे कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं। एक बात और जो मैं पूछना चाहता हूँ ज़कात मुतालिक, वो ये है कि हमारे यहाँ हम प्री टैक्स डिडक्शन कराते हैं हेल्थ के हवाले से या अपने रिटायरमेंट के हवाले से प्री टैक्स डिडक्शन होती, क्या उसको ज़कात में शामिल किया जाएगा या अगर निसाब में से जैसे मिना कर दिया जाता है उस तरह किया जाएगा, थोड़ा सा इस पर आप। अस्सलाम वालेकुम।
जो कुछ आपकी कंपनी ने या आपके इदारे ने या हुकूमत ने अगर आप उसके मुलाजिम हैं आपके लिए अलग करके रख लिया है, वो किसी भी सूरत में हो वो जब आपको मिलेगा उस वक्त उस पर ज़कात आयद होगी। इस वक्त तो वो जमा है, जमा रहेगा, आपको मिलने के कुछ कवायद जवाबित होंगे, उनके मुताबिक ही मिलेगा। जिस वक्त भी आप कुछ हिस्सा निकलवा लें या रिटायरमेंट पर मिले या कोई ख़ास और शरायत हो, जैसे ही वो मिलेगा उस वक्त फिर उस पर ज़कात आयद हो जाएगी। तनख्वाह पर ज़कात का तरीका ये है कि निसाब वही होना चाहिए जो इस वक्त हुकूमतों ने मुकरर कर रखा है, और ये इनकम टैक्स के मामले में हर हुकूमत मुकरर करती है। सोने चांदी का निसाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है, उसको बदलने की कोई वजह नहीं है, उसी को मलहूज़ रखना चाहिए। तो जो निसाबात मौजूदा ज़माने में तय करने हैं वो हुकूमतें लेंगी तो वो तय करेंगी, इस वक्त जो उन्होंने तय कर रखा हुआ है बस उसी को आप मिनहा कर लें, और फिर जो आपकी कुल आमदनी आपको हुई है उस पर 10% ज़कात आयद हो जाएगी। ये बात मैं इससे पहले वाज़े कर चुका हूँ कि अगर रियासत ने या हुकूमत ने कोई टैक्स आपसे ले लिया है तो उसको आप उसमें मिनहा कर सकते हैं। शुक्रिया सर। अगला सवाल है हमारे पास अहमद खान साहब का। फरहान साहब अगर आप इनको अनम्यूट कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अहमदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुरान की एक आयत से है जिसके अंदर ग़ालिबन सूरह निसा के अंदर जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निकाह की हुई औरतें तुम लोगों के ऊपर हराम है सवाए इसके कि जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि अगर तो मलकियत में आ गई और फिर भी उसका निकाह, तो कुछ बात इखलाकी तौर पे समझ नहीं आ रही, और अगर वो पिछला निकाह टूट गया तो फिर भी कुछ बात इखलाकी तौर पे समझ नहीं आ रही कि जबरन तोड़ दिया गया। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, शायद मैंने इसको पढ़ने में भी गलती कर सकता हूँ। जी आप इसको अगर देखना चाहें तफसील के साथ तो हमारे उस्ताद मौलाना अमीना हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान में भी देख लें, लेकिन मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। जो औरतें अरब में जंग में पकड़ी जाती थीं उनके बारे में वहाँ का उर्फ या वहाँ का रिवाज ये था कि उनके निकाह ख़त्म समझे जाते थे, यानी अगर वो वापस चली गई हैं तो चली गई हैं, अगर वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से किसी से निकाह करना चाहें तो फिर तलाक का तरीका नहीं था, तो इसको बाकी रखा गया, ख़त्म नहीं किया गया जब तक के जंगों में पकड़े जाने वाली औरतों की ग़ुलामी का मामला ख़त्म नहीं हो गया। जो रिवाज पहले था वही रिवाज जारी रहा, यानी उनका निकाह खुद बखुद ख़त्म समझा जाता था। जैसे हमारे यहाँ अदालत अगर डिग्री दे देती है तो तलाक के बगैर निकाह ख़त्म हो जाता है, तो उसमें यह था कि जंग हुई, कैदी पकड़ी गई औरतें, अब वो आज़ाद हैं, जिससे चाहे निकाह कर लें। ठीक है जी, वाज़ हो गई बात। अगला सवाल है जी आफिया खान साहब साहिबा का। फरहान साहब अगर आप इनको अनम्यूट कर दें। आफिया खान जी, एक बात मैं सिर्फ बता दूं आप लोगों को, जो लोग जिन्होंने देर से ज्वाइन किया, कि जो नाम आपका एज़ गामदी की प्रोफाइल में है वही नाम जूम में डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप उसको अपने नाम को जूम में चेंज करना चाहते हैं तो अपने नाम के ऊपर राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आपका एक सुना था प्रोग्राम, उसमें आपने कहा था कि कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ पर दुआ मांगना मना किया गया है जिसमें रुकू भी शामिल है, लेकिन फिर आपने आप ही के एक प्रोग्राम में था कि जो दुआ के मौके हैं उसमें रुकू और सजदा जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर औकात हैं, तो प्लीज़ अगर इसको क्लैरिफाई कर दें। नहीं बहन, कोई गलती लगी आपको, कुरान पढ़ने के बारे में बात की गई होगी। कुरान मजीद रुकू और सजदे में नहीं पढ़ना चाहिए। दुआ आप जब चाहे जहाँ चाहे रुकू में मांगें, सजदे में मांगें, दो सजदों के दरमियान मांगें, कादे में बैठने के बाद मांगें, जब चाहें, बल्कि नमाज के शुरू में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले मांगें। सूरह फातिहा के बाद आपने कुरान की कोई आयत मिलाई है या आयात मिलाई हैं उसके बाद मांगें,
कौमे में खड़े होकर मांगे, हर मौके पर दुआ मांगी जा सकती है। दुआ मांगने में कोई माने नहीं, नमाज है ही दुआ। दुआ करें, मुनाजात करें, तस्बीह करें, अल्लाह को याद करें, जो चीज़ चाहे करें। कुरान मजीद अलबत्ता जब भी पढ़ना हो तो वो सूरह फातिहा के बाद पढ़ा जाता है। ठीक है जी, तो ये कोई सुनने में गलती लगी है। अगला सवाल है हुमायूं कामरान साहब का। फरहान साहब, अगर आप इनको अनम्यूट कर दें प्लीज़। हुमायूं साहब आपको अनम्यूट कर रहे हैं। फरहान साहब, आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप डिस्प्ले होगा, तो उसमें आप अनम्यूट का बटन दबा लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश करूंगा कि अपना सवाल 30 सेकंड के अंडर अगर इसको कंप्लीट कर पाऊँ। मुख्तसर सा ये अर्ज़ करूँगा कि मोहम्मद हसन साहब से कोई 25-26 के लगभग साथ में एक नशिस्त में आपने ईमान और अकीदा की तफसीलत पर अजहार ख्याल करते हुए आपने कहा कि ईमान और यकीनी इलम में फ़र्क होता है। ईमान पर बहस नहीं हो सकती, लेकिन यकीनी इलम पर बहस हो सकती है। इसकी फरा शरा या फहम में इख्तलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स यकीनी इलम को भी मानने से इनकार कर दे तो उस सूरत में इसका क्या इसका मामला होगा? क्योंकि इसमें भी क्या सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या मुकम्मल रहता है? अगर नहीं तो अखबार से इनकार, बेईमानी या किता से इनकार क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल पूरी तरह वाज़े नहीं हुआ। यानी ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने या अल्लाह के पैगंबर ने किन बातों को मानने पर हमारी निजात को मुनहसर करार दिया है। वो पाँच ही चीज़ें हैं। अल्लाह को मानना है, अल्लाह के फरिश्तों को मानना है, अल्लाह के पैगंबरों को मानना है, किताबों को मानना है, और आखिरत के दिन पर ईमान रखना है। ईमानियात यही है। यानी जब कोई आदमी ये पूछे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, तो उसे क्या मानना है, तो ये चीज़ें हैं कि जो उसको माननी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की है, उसके पैगंबर ने बहुत सी बातें कही हैं, तो उन बातों में यकीनी तौर पर कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है कोई शुबे की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ठीक हमको पहुंच गया है। लेकिन उनके फहम में इख्तलाफ हो सकता है, उनके समझने में इख्तलाफ हो सकता है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये बात है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद में और अल्लाह ताला ने ही बयान की है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, तो वो तो ईमानियात में जो पहली पांच चीज़ें हैं, किताब को मानना, उसी का इनकार कर रहा है, बल्कि उससे आगे अल्लाह ही का इनकार कर रहा है। तो इसलिए ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी किसी यकीनी चीज़ के फहम पर बहस हो सकती है। क्या समझें आप, ज़ुल्करनैन का किस्सा कुरान में बयान हुआ है, असाबे काफ का वाक़या कुरान में बयान हुआ है, सैयदना सुलेमान के दरबार में मलका बिल्किस का तख्त ले आने का वाक़या कुरान में बयान हुआ है, तो यकीनी होने में तो कोई शुबा नहीं। लेकिन क्या वाक़या है, क्या तफसीलात हैं, क्या जो आयात उसके लिए कुरान में आई हैं उनका मतलब मैंने या आपने दुरुस्त समझ लिया है, इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, और इन इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी शख्स को ईमान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है सर, बहुत अगला सवाल है जी राफिया ख्वाजा साहिबा का। फरहान साहब, अगर आप इनको अनम्यूट कर दें। राफिया ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम हमदी साहब। माय क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव शरिया कैन बी अवॉल्व्ड इफ इट इज कंफर्म्ड 100% बाय स्कैन दैट अ डिवोर्सी और अ विडो इज नॉट प्रेग्नेंट? देन यू सेड देयर इज नो इद्दत रिक्वायर्ड. You also said that if fasting in summer is not possible for the elderly, then they can fast in winter, though the Quran specifically says fasting is obligatory in Ramadan. In both cases, isn't Sharia being evolved? On the other hand, women can become judges of the Supreme Court, but their gawai is 50%. Gandhi Sahib, how would you explain all this? सवाल वाज़े हो गए, शुक्रिया। पहली बात के जवाब में ये अर्ज़ है कि इद्दत का कानून ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान करते वक्त ये बता दिया है
कि अगर इर्तियाब होगा तो फिर इद्दत के मामले में तशवीश होनी चाहिए। इर्तियाब का मतलब ये है कि इसका इम्कान है कि पैदाइश बच्चे की हो सकती है। अगर कोई इर्तियाब नहीं है, वाज़े सूरत हाल है, तो ख़ुद कुरान कहता है कि कोई इद्दत नहीं। चुनाचे वाज़े सूरत हाल की मिसालें भी दे दी। सूरह अहज़ाब में ये बता दिया है कि अगर मुलाकात ही नहीं हुई तो कोई इद्दत नहीं होगी। इसी तरह जब हमल के मामले में तमाम कराइन मुतय्यन हो गए तो फिर वज़े हमली को इद्दत करार दिया गया है। तो ये शरीयत में मेरी तरफ़ से कोई बात कहने का सवाल ही नहीं है। शरीयत को बताया गया है, यानी समझाया जा रहा है कि शरीयत में इद्दत इस तरह है। चुनाचे सूरह तलाक में ये बताया गया है कि फ़लाँ मामले में इद्दत इस तरह होगी, इन इर्तबतम, अगर तुम्हें कोई इर्तियाब है, कोई शुबा पैदा हो गया है। अगर शुबा नहीं है दोनों सूरतों में तो बस ठीक है, फिर उसके बाद इद्दत की पाबंदी नहीं रहती। इद्दत की पाबंदी के भी दो पहलू हैं, यानी एक तो ये है कि निकाह नहीं करना ख़ातून को, दूसरा ये है कि जहाँ कोई वफ़ात अगर हो गई है तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि वहाँ बनाओ संगार करके तो ख़ातून नहीं बैठेगी। अगर वो उस घर को छोड़ देती है, चली जाती है, तो मामला अलग है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आदाब से ताल्लुक़ रखती हैं। असलन इद्दत बच्चे के बारे में, यानी बच्चे की पैदाइश के बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए, कोई इर्तियाब नहीं होना चाहिए। ये पाबंदी इद्दत की आयद ही इसलिए की गई है। और कुरान मजीद के अल्फाज से ये बात वाज़े है कि इद्दत असल में शौहर के लिए बीवी गुजारती है, यानी शौहर का ये हक है कि उसके बच्चे से मुतल्लक कोई इश्तबा पैदा ना हो जाए। वैसे तो बच्चे का भी ये हक है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जिस औरत मर्द से निकाह हुआ है उसका भी एक हक कायम कर दिया अल्लाह ताला ने। बार बार ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर तुम पर इद्दत की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी बात को मैंने वाज़े किया है, इससे मुख्तलिफ कोई बात मैंने नहीं कही। तो मतलब शरीयत इवॉल्व नहीं हुई है कोई, तो उसके अंदर शरीयत को समझाया तो जाएगा जी। यानी जब इद्दत आम हालात में बताई जाएगी तो ज़ाहिर है कि 3 महीने है या 3 अय्याम है जी। इसी तरह से कोई बेवा हो गई है ख़ातून तो 4 महीने 10 दिन है। और जब ये बताया जाएगा कि हमल है तो इद्दत वज़े हमल है जी। 4 दिन के बाद अगर हमल वज़ा हो गया तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी जी। और ये मुतल्लिका की भी ख़त्म हो जाएगी, बेवा की भी ख़त्म हो जाएगी। खुद रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत के बाद, यानी उनके यहाँ विलादत के बाद इद्दत के ख़ात्मे के लिए कह दिया, इसके बावजूद के बेवा थी जी। तो इसलिए इद्दत का ये कानून है जिसकी वजाहत की गई है। अगर लोगों ने इस कानून को पूरी तरह नहीं बताया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरे जहन से निकल गया। एक सवाल की इजाज़त थी जी, तो ठीक है, कोई ऐसी बात जी। अगला सवाल है मोहम्मद हसन वड़ाइच साहब का। फरहान साहब उनको म्यूट कर दें। हसन वड़ाइच साहब, आपका आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा इस सवाल ये है कि आपने जो सुन्नत की फहरिस्त मुरतब की है वो किन उसूलों पर की है? क्या वो हदीस के जखीरे से मालूम हुई है या वो उलमाए जो उम्मत है उनके फहम से मालूम हुई है या फिर उम्मत का जो इस वक्त अमल है उसके इस्तकरा से? अगर तो ये उलमा का फहम है या हमारी इल्मी रवायत में मतलब ये चीज़ चलती आ रही है और ये जो 26 चीज़ों की आपने फहरिस्त मुरतब की है ये वहाँ से अगर आपने अखज़ की है तो फिर दाढ़ी को इस फहरिस्त से किस उसूल की बुनियाद पर निकाला गया? मेरे भाई, ये फहरिस्त मेरी जिस किताब के 3rd सफ़े पर है उसी में आगे तायीन सुन्नत के उसूल बयान हुए हैं और वो 7 उसूल हैं। बड़ी तफसील से मैंने बताया है कि सुन्नत को कैसे मुतय्यन किया गया है। तो इसलिए अगर आपने उस फहरिस्त को पढ़ लिया है तो आगे भी ज़रा थोड़ी ज़हमत करें, वो 2-3 सफ़ात ही हैं, उनको पढ़ लें। उसमें बता दिया गया है कि किस तरह इसको मुतय्यन किया गया है। इसके मुतय्यन करने में कोई दिक्कत सिरे से थी नहीं। मुसलमानों के यहाँ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तस्वीब से जो सुन्नत जारी की है
وہ سب کی سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے اور مجھے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں دیکھوں کیسے منتقل ہوئی ہے. دین کے احکام میں مستقل بذات اور غیر مستقل بذات کو الگ کرتے ہی وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے. یعنی وہ احکام جو کسی پہلے سے موجود حکم کی شرح ہیں, فرع ہیں, اس کا نتیجہ ہیں, اس پر اجتہادی اطلاق ہیں, ان کو الگ کر دیں اور مستقل بذات احکام کو الگ کر دیں تو وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. آگے آپ وہ جو اصول ہیں ان کو پڑھ لیجئے, معلوم ہو جائے گا. فہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے اس میں اگر کسی کا کوئی فہم ہے تو اس کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی میرے فہم کی ہے یا کسی اور آدمی کے فہم کی ہے. البتہ نقل کس نے کیا ہے, اگر پوری امت نے نقل کیا ہے, نسلاً بعد نسلاً نقل کیا ہے, اس پر سب علم کا اجماع رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دین ہے. قرآن مجید بھی ایسے ہی ملا ہے, سنت بھی اسی طریقے سے ملی ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا, اس میں کسی کے فہم کا کوئی سوال نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر. سو یہ اگلا سوال ہے سائرہ قریشی صاحبہ کا. فرحان صاحب اگر آپ ان کو انمیوٹ کر دیں. سائرہ صاحبہ, آپ کے اسکرین کے اوپر ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے پردے کے بارے میں پوچھنا ہے. ویسے تو اس بارے میں آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے, بے شمار سوالات کے جواب دیے ہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک بھی جو الجھن ابھی بھی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب میں جو کہ اسلام کا مرکز ہے اور جہاں قرآن نازل ہوا ہے اور وہاں کے لوگ عربی زبان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے اور واقف ہیں, وہاں پر پردہ اس اہتمام کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے اور اس پر اتنی پابندی اور سختی کیوں ہے؟ بہت شکریہ. یہ تو میری بہن ان سے پوچھیے. سعودی عرب میں اس وقت جو مذہبی فکر ہے یہ پچھلی صدی سے وہاں شروع ہوئی ہے, تو اس لیے ان کی اپنی رائے ہے, اپنا نقطہ نظر ہے, اس کے لحاظ ہی سے وہ جو کرتے ہیں کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. سو اگلا سوال ہے عبد الرحمٰن مغل صاحب کا. فرحان صاحب ان کو انمیوٹ کر دیجیے پلیز. عبد الرحمٰن مغل صاحب, آپ کے اسکرین پہ ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, اس میں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. غامدی صاحب, اس سوال ایک تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خاص عبادت کی جائے, اس کی حق ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے, دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ خوف و طمع سے مجھے پکارتے ہیں, تو اس میں کیسے تدبیق کی جائے؟ یعنی کہ کیسے اس میں جو ہے خوف و طمع سے پکارنا بھی اسی کے لیے ہی عبادت کرنا ہے, اور دوسرا ایک روایت آپ نے بیان کی تھی کہ اصحابی کا نجوم, اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ سخت ضعیف روایت ہے, تو اس کا بھی بتا دیں. یہ پہلے سوال کو سننے میں کچھ دقت ہوئی, یعنی یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ خوف اور طمع سے جی اللہ کی عبادت کرنا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف اور طمع سے بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کرتا ہے بندہ. اور یدعون ربہم خوفا و طمع, وہ خوف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا خوف ہے. طمع کس سے ہے؟ اللہ ہی سے. یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ سے نعمتیں پانے کے لیے بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے, دعائیں کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, تو دعا اپنی ذات میں عبادت ہے, بلکہ مخ العبادہ ہے, عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا ایک عاجز اور محتاج انسان کی حیثیت سے پیش ہونا یہ عبادت کی حقیقت ہے. عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ تذلل, خضوع, یعنی میں اپنی ذات, اپنی انا کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ختم کر دوں اور اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. اسی لیے اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. تو میں چونکہ ایک عاجز انسان ہوں, میری ضرورتیں بھی ہیں اور میری تمنائیں اور آرزوئیں بھی ہیں, اسی طرح میں اندیشہ ناک بھی ہوتا ہوں. اسی کو بیان کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ بندگی کے مقام سے کہیں بالا تر نہیں ہو جاتا, خوف اور طمع کے عالم ہی میں پکارتا ہے اپنے آپ. تو یہ اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی سے طمع ہے. بہت شکریہ سر.
एक बस मैं रिमाइंडर, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया तो मैं रिमाइंडर करा देता हूँ कि जो नाम आपका एज गांधी की प्रोफाइल में डिस्प्ले होता है वही नाम जूम में भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो जूम में अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो अपने नाम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और उसको रीनेम कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का। फरहान साहब इनको अगर अनम्यूट कर दें। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे से पहले बहुत शुक्रिया गांधी साहब आपका भी और सेंटर का भी। सवाल मेरा पर्दे से मुतालिक था कि आपने फरमाया कि अगर जीनतें नहीं की हुई खवातीन ने तो सर पर उनकी चादर ना भी हो तो मतलब इट्स फाइन, इट्स ओके। सवाल ये कि अगर जीनतें उन्होंने की हुई हैं, नुमाइश उन्होंने की हुई है, बालों पे अगर नहीं भी की हुई तो इसका मकसद, इसकी हिकमत क्या है कि कपड़े उन्होंने फैंसी पहने हुए हैं, जीनतें उन्होंने हाथों में पहनी हुई हैं, तो हाथों पे जीनत पहनने से ये हुक्म किस तरह वैलिड हो जाता है कि उनको रिक्वायर करता है इस्लाम या शरीयत के वो सर पर कपड़ा लें? शुक्रिया। मैंने तो बड़ी तफसील के साथ उस गुफ्तगू में ये बताया है कि जीनतों को छुपाने का हुक्म दिया गया है, यानी ये कहा गया है कि औरतों ने अगर आराइश की हुई है, ज़ेबो ज़ीनत किया हुआ है, तो उसे उन्हें चाहिए कि उसका इफ़्शा ना करें, उसको नुमाया ना होने दें। उसमें से इस्तिस्ना दिया गया है इसलिए कि अल्लाह ताला जब कोई हुक्म देते हैं तो उसमें ये उसूल उन्होंने बयान कर दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो अगर हाथों को भी छुपाने के लिए कह दिया जाए और चेहरे को भी छुपाने के लिए कह दिया जाए तो ये बहुत ही सख्ती होगी। तो इस वजह से फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो आज़ा आप से आप ज़ाहिर होते हैं उन पर अगर जीनतें हुई हुई हैं तो उनको छुपाना ज़रूरी नहीं। तो ये पूरी बात वाज़े कर दी गई है, इसमें इश्काल क्या है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है अमार यासर साहब का। अमार यासर साहब को अनम्यूट कर दीजिए। अमार साहब, आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, उसमें फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल था कि हिंदुस्तान में रहते हुए जहाँ चारों तरफ लोग शिर्क में मुब्तला है, मसलन मेरे तकरीबन सारे दोस्त ही नॉन मुस्लिम हैं और दावत के काम के लिए हालात भी थोड़े नासाज हैं आजकल, तो ऐसे में एक मुसलमान को दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए क्या तर्ज अमल अपनाना चाहिए? गैर मुस्लिमों को दीन का पैगाम पहुंचाना ही सिर्फ कुरान देने की सूरत में चाहिए। कुरान मजीद के तर्जमे कराइए, उलमा से कहिए कि वो मुकामी ज़ुबानों में तर्जमे करें। कुरान मजीद को अब आप सुनाने की सूरत में भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने उसके असबाब पैदा कर दिए हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये अहतमाम कीजिए और फिर शाइस्तगी के साथ, जैसे किसी भाई को आप तवज्जो दिलाते हैं कि ये हम समझते हैं या हमें इसका अंदाज़ा है कि ये अल्लाह की किताब है, तो इसको कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आपके सामने कुछ हकायक इससे खुलें। तो किसी आदमी को भी अगर शाइस्तगी से इस तरह की दावत दी जाएगी या कोई चीज़ पेश की जाएगी तो मुमकिन है कि कोई आदमी गलत रवैया भी इख्तियार करे, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत शुक्रिया के साथ कबूल करते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी इतनी है, इससे ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है उस्मान सादात साहब का। उस्मान सादात साहब, आपके स्क्रीन पर पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी ये मोटरवे इंसिडेंट हुआ उस पर बहुत से बाकी लोगों ने भी अपनी कमेंट्री की और बहुत से उलमा ने भी की, लेकिन जो उनकी अप्रोच होती है किसी मसले को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की, वो बहुत से लोगों के साथ मेंटली रेजोनेट नहीं करती, हालांकि उनके पास कुरान और हदीस का भी नॉलेज है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कुरान और हदीस के साथ जो फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंसिस का उनके पास लैक है नॉलेज का, इस वजह से होता है कि उनकी बात रेजोनेट नहीं करती, हालांकि उनके पास कुरान और हदीस का नॉलेज है फिर भी क्यों नहीं करती? क्या कुरान के साथ ये नॉलेजेस भी हासिल करना ज़रूरी है आज के दौर में लोगों को अप्रोच करने के लिए? शुक्रिया। हर ज़माने में हासिल करने ज़रूरी हैं। मुसलमानों के उलमा को अपने ज़माने की बसीरत हासिल करनी चाहिए
और इंसानों तक दीन पहुंचाना है, इंसानों को समझना चाहिए इंसान क्या है, उसके जज्बात कैसे होते हैं, उस पर गुज़रने वाले हालात में वो किस रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला हो जाता है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे, बल्कि इससे भी आगे जाकर सियासत क्या है, समाज क्या है, उमरानी उसूल क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। आपने सिर्फ दीन नहीं बयान करना, दीन जिन लोगों तक पहुंच रहा है उनको भी समझना है। उनको समझे बगैर दीन समझाया नहीं जा सकता। अगर तो उतनी बात है जितनी मैंने अभी गैर मुस्लिमों के बारे में कही कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद उनको दे दीजिए, तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई आलिम किसी सूरत हाल पर तबसरा करता है, लोगों के किसी मामले में राय देता है, तो उसको ज़रूर जानना चाहिए कि वो मामला क्या है, उसकी नौइयत क्या है। मैं जो कुछ अपनी ज़ुबान से निकाल रहा हूँ उसके असरात क्या होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसका बड़ा अंदेशा है कि वो मज़हब या दीन या ख़ुद अल्लाह की किताब के बारे में लोगों को मायूस कर देगा। तो ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है हमारे पास नसर अहमद साहब का। नसर साहब, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे के बारे में, इसकी इल्हामी किताबों में क्या हैसियत है, इसकी क्या ये बुक ऑफ रेवलेशंस है, और क्या यूहन्ना आरिफ नबी या रसूल थे, और अगर इसको पढ़ना हो तो कोई अच्छा इसका तर्जुमा तफसील के साथ या तफसीर के साथ कौन सा पढ़ा जाए, शुक्रिया। तर्जुमे जितने भी बाइबल के हुए हैं बहुत अच्छे तर्जुमे हैं, अंग्रेज़ी में आप पढ़ें तब भी बहुत अच्छे तर्जुमे हैं। अब तो उन्होंने आसान ज़ुबान में तर्जुमा कर दिया है। पहले किंग जेम्स का मामला तो ये था कि कुछ थोड़ी सी उस ज़माने की ज़ुबान थी, या कह सकते हैं कि उसमें अदबी ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। लेकिन अब जो नए तर्जुमे हैं वो बहुत सादा हैं, तो किसी को भी आप पढ़ लीजिए। उर्दू में भी बहुत अच्छे तर्जुमे हुए हैं। पहले किंग जेम्स वर्जन ही का तर्जुमा होता था, उसके सिवा भी अब बाज़ तर्जुमे आ गए हैं और वो ज़्यादा सलीस, ज़्यादा रवां हैं, बल्कि किंग जेम्स के वर्जन से उनमें किताबें भी ज़्यादा हैं। ये सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का रोया है जैसे कि बयान किया जाता है। आप उसको अगर खोलेंगे तो पहले ही जुमले में ये बात बयान हो गई है कि ये सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का रोया है। इसको यूहन्ना आरिफ ने बयान किया है। मसीहियों के हाँ ये रवायत रही है, वो सेंट पॉल के बारे में भी कहते हैं कि रूहुल कुदस की ताईद से वो चीज़ें जो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहीं वो दोबारा लिखवाई गईं। तो ये अनाजील से मुतल्लक भी उनका ख्याल है। सेंट पॉल की तालीमात को भी वो मज़हबी हवाले से जब बयान करते हैं तो उसकी यही दलील देते हैं। तो इससे कतई नज़र सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की नस्बत से वो बयान हुआ है। कुरान की रोशनी में उसको पढ़िए। जो कुछ भी इल्हामी लिटरेचर है उसको अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद की रोशनी में पढ़ना चाहिए, तो बड़ी हद तक आप समझ लेंगे उसको। ताहम रोया है, और ये आपको मालूम है कि रोया में चीज़ें तमसील के अंदाज़ में दिखाई जाती हैं। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तो गुफ्तगु भी तमसीलों ही में करते थे। मौजूदा अनाजील को आप पढ़ें अगर, तो उसमें जगह जगह मिसालें बयान हुई हैं, तमसीलें बयान हुई हैं। तो तमसीलात को समझना आसान नहीं होता। यही सूरत हाल उस वक्त हो जाती है जब रोया में कोई चीज़ दिखाई जाए, उसमें ज़ाहिर है चीज़ें ममस्सल करके दिखाई जाती हैं, यानी जो कुछ दिखाया जाता है उसकी कुछ ताबीर होती है। तो ये एक मुश्किल है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी बाइबल की कोई कमेंट्री ले लें, लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नामों के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, वाक़यात के बारे में कुछ पस मंज़र मालूम हो जाएगा। तो रोया में तो ख़ुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक सर, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अहमद शुएब का। अहमद शुएब का माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए सर। अहमद शुएब, आपके स्क्रीन पर पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अलैकुम। Walaikum assalam. I heard your mini talk on Ilmul Kalam that to respond to a question I sent, and I agree with you completely. I just have one question.
that how do we prove without kalam from the traditional narrative, the Quran, and keeping our hudud of knowledge in sight, that God is not lying to us? Because we don't have any way, like, how did the Prophet ﷺ know that God wasn't lying to him when he gave him revelation or anything? Because there's no way to do this from the Quran. If God is saying he's truthful, what if he's lying when he's saying he's truthful? So how to solve this problem? कुछ ऐसा समझ में नहीं आया सवाल. इल्मुल कलाम के बग़ैर वो कह रहे हैं कि ये हम कैसे इस बात को एस्टेब्लिश करें कि अल्लाह ताला जो है वो झूठ नहीं कह रहे थे रसूलुल्लाह से जब वो कुछ कह रहे थे तो वो झूठ नहीं. तो इल्मुल कलाम के ज़रिए से कैसे मालूम हो जाएगा ये? बुनियादी सवाल ये है कि हम अल्लाह मियां पे कैसे बिलीव करें कि उनसे झूठ नहीं बोलते. बेसिकली उनका भी फोरम पे भी करते रहते हैं ये सवाल. यही है कि अल्लाह ताला हम तो जितनी बातें की जा रही हैं हमारे साथ वादा किया जा रहा है जन्नत का जहन्नम का, तो क्या पता वहाँ जाए तो पता चले सब झूठ था. इवन अल्लाह एग्जिस्ट भी करते तो अच्छी बात है भाई. अगर ये सब कुछ ही झूठा साबित हो गया तो अल्लाह कैसे सच्चा साबित होगा? जब आप इस कायनात के परवरदिगार को मानते हैं तो अपने अखलाकी वजूद के बारे में आप ये पसंद करेंगे सुनना कि मैं झूठ बोलता हूँ या फलां साहब झूठ बोलते हैं? तो वो कायनात का खालिक व मालिक है, उसके बारे में ये तसव्वुर कैसे किया जा सकता है? ताहम अगर आपके ख्याल में ये इम्कान अकली मौजूद है तो बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि सच्चाई निकले. जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ये सवाल है मोहम्मद उस्मान साहब का. मोहम्मद उस्मान साहब, आपका आपकी स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा सवाल भी इनकम की ज़कात के निसाब के बारे में था. क्या ये निसाब फर्द के हालात के मुताबिक एडजस्ट होता है? मसलन अगर आपके डिपेंडेंट ज़्यादा हों तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. निसाब में मैंने अर्ज़ किया कि सोने चांदी का निसाब तो रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने से मुकर्रर चला आ रहा है, इसलिए उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए. लेकिन आपने अगर बाकी चीज़ों पे ज़कात लेनी है तो उनका निसाब हुकूमत मुकर्रर करेगी. ज़कात असलन हुकूमत का हक है. अब हमारी हुकूमतें ना उस तरह ज़कात ले रही हैं ना उनको इससे कोई दिलचस्पी है, तो उन्होंने इनकम टैक्स के लिए निसाबात मुकर्रर किए हुए हैं. तो मेरे नज़दीक उन्हीं को इख्तियार कर लेना चाहिए. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. अगला सवाल हमारे पास है ज़ीशान तारिक साहब का. ज़ीशान तारिक साहब, आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम कामिल साहब. वालेकुम अस्सलाम. मेरा सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी वजह जो कुरान के मुखातिब के मुख्तलिफ तराजम में फ़र्क का बायस बनती है वो इस बात का तायुन है कि किसी आयत या सूरह का असल मुखातिब कौन है. कोई तबका ये समझता है कि एक आयत का मुखातिब शायद आज का इंसान है, जबकि आपके तर्जमे में उसी आयत का मुखातिब कोई और होता है, जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 284 में और सूरह अहज़ाब की आयत में है. क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि कुरान का तर्जमा ऐसे तरतीब दिया जाए कि पढ़ने वाले को मुखातिब का आसानी से अंदाज़ा हो जाए? अब ये शायद मामूली समझ जाने वाली बात कभी कभी बहुत बड़े फितने का बायस बन जाती है, और उलमा जो हैं वो कुछ कभी कभी कुरान के ऊपर रवायात को भी फोकियत देने से गुरेज नहीं करते. बहुत शुक्रिया. मैंने तो भाई यही कोशिश की है. अल बयान का तर्जमा इसी उसूल को सामने रख कर किया गया है, बल्कि हर सूरा के शुरू में बता दिया गया है, दो दो सूरतों के शुरू में बता दिया गया है कि सूरा में मुखातब कौन है. कुरैश मुखातब हैं, मक्के में सूरा नाजिल हो रही है, अहले किताब मुखातब हैं, मुसलमान मुखातब हैं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं. तो सूरा में ख़िताब किससे है वो बता दिया गया है. फिर आयतों में अगर कहीं इल्तफात होता है, इल्तफात का मतलब ये है कि वैसे तो कुरैश से ख़िताब जारी था लेकिन कुछ देर के लिए रुक कर किसी दूसरे गिरोह को मुखातब किया गया, तो उसको भी बता दिया गया है. आम तौर पर तर्जमे इससे वाज़े करने की कोशिश की गई है. ताहम ये हो सकता है कि कहीं फिर भी कोई सवाल बाकी रह जाए, तो उसके लिए फिर अल बयान को देख लें,
उसमें जहाँ हवाशी लिखे गए हैं वहाँ हर चीज़ वाज़े कर दी गई। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है रिजवान अली साहब का। रिजवान साहब, आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल असल में यह है कि जब हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के अंदर पूरा दीन जो है वो बयान हो गया है, और अगर हम रिवायात जो कि एक तारीखी ज़खीरा है उसको अलग भी कर दें तो भी इससे दीन के ऊपर कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक इश्काल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कुछ ऐसी रिवायात हम तक पहुँचती हैं जिन्होंने कुरान के मुजम्मरात को खोला है, मिसाल के तौर पर रज़ाई रिश्तों की जो हुरमत का मामला है, या खाला और भांजी और फुप्पी और भतीजी को साथ में जमा करने की ममानियत है। तो अगर ये रिवायात को भी हम साइड में रख दें या अलग रख के सिर्फ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर ये दावा करें कि पूरा दीन इसमें मौजूद है, तो इन मुजम्मरात तक मेरा ख्याल है कि कोई आलिम तो नहीं पहुँच सकता अगर ये रिवायात हम तक नहीं पहुँची होती, तो फिर इस इश्काल को किस तरीके से हल किया जाएगा? ये आपका हुस्न ज़न है उलमा के बारे में, क्यों नहीं पहुँचेंगे? मुजमरात को खोला है लोगों ने, उनको समझा है, वो चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लम ने नहीं वाज़े फरमाई थी वो फुकहा ने वाज़े की हैं, और बहुत से ऐसे मकामात हैं, आप कभी तफसीरें उठा के देखें कि कुरान मजीद के इतलाकात क्या हैं, तफरीकात क्या हैं, उन सबको खोला है। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम ना पहुँचते तो कोई क़्यामत ना आ जाती, हम अपने फ़हम के लिए मुकल्लफ़ हैं। एक चीज़ अगर रसूलुल्लाह सल्लम के फ़हम और बसीरत से हमको हासिल हो गई तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, किसी बात के आलिम के फ़हम से वाज़े हुई तो उस पर भी शुक्र करते हैं। आज के ज़माने में भी दसियों ऐसे जलीलुल कदर उलमा हैं जिनकी काविशें अगर ना होती तो बहुत से मुजमरात को शायद हम ना समझ सकते, तो ये चीज़ तो क़यामत तक बाकी रहेगी, इसका किसी एक दौर से ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कुरान और सुन्नत में पूरा दीन बयान हो गया है, ये उसका फ़हम है, और फ़हम किस चीज़ का होता है? मुजमरात ही का होता है, गवामीज ही का होता है, इतलाकात ही का होता है। एक चीज़ अगर बयान की गई है तो उसकी कहाँ कहाँ तक रोशनी पड़ती है उसी का होता है। तो हमारे तमाम उलमा, ख़्वाह वो फुकहा हों ख़्वाह वो मुफस्सरीन हों, वो यही काम कर रहे हैं। मेरा जब पहली मर्तबा इमाम फराई से तारुफ हुआ, और ये यानी 72-73 की बात है, तो मुझ पर बिल्कुल यही कैफियत थी कि अगर ये सब ना होता तो मैं कुरान मजीद के बहुत से मुजमरात से बिल्कुल नावाकिफ़ रह जाता। उस वक्त यही तासुर था और शदीद तासुर था। तो बस इसी तरह इसको समझ लेना चाहिए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात को वाज़े कर दिया, उसके मुजमरात समझा दिए, बात कहाँ तक पहुँचती है उसको बयान कर दिया, हमें एक नेमत मिल गई, हम उस पर शुक्र करेंगे। किसी आलिम ने ये काम कर दिया बाद में, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, नहीं तो खुद समझ लेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त कोई ऐसे मुजमरात हों जो अब तक लोगों ने नहीं समझे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, जब समझ में आ जाएंगे उनके सामने सर झुका देंगे, नहीं समझ में आए तो हम उसके मुकल्लफ़ ही नहीं, हम पर कोई ज़िम्मेदारी भी आयद नहीं होती, अपने फ़हम के लिहाज ही से आदमी मुकल्लफ़ है। ये शायद आपके इल्म में नहीं है कि जो आप बयान फरमा रहे हैं इसके ऊपर फिर उलमा ने बहसें करने में कोई कमी नहीं की, और बहुत से हमारे उलमा जिन मुजमरात को आप समझते हैं कि वो वाज़े हो गए हैं उनको नहीं भी मानते, तो इसलिए ये तो होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इरफान चट्ठा साहब का। इरफान साहब, आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर एक मुसलमान है उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा, उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की लेकिन वो चल सीधी राह पे है, और दूसरी तरफ इस तरह फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन है उसने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो सीधी राह पे है कि नहीं, जो उसके बावजूद से बात मिली उसने उस पर अमल किया, अब दोनों का रवैया एक जैसा है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नज़दीक दोनों एक बराबर है या किसी को किसी पे फोकियत कोई हासिल? शुक्रिया। मैं जो कुछ समझ सका हूँ, कुछ आवाज़ वाजे नहीं थी, यानी एक शख्स है और वो रास्ता तो दुरुस्त इख्तियार किए हुए है लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो समझे, और दूसरा आदमी पूरी कोशिश करता है और गलत रास्ते पर है। कह रहे हैं कि एक ईसाई साहब है, एक मुसलमान साहब है, दोनों का सूरत हाल एक ही है,
कि वो उन्होंने सवाल समझ कभी दीन को समझने की कोशिश नहीं की लेकिन है जनरली सही रास्ते पे, तो क्या इन दोनों में कोई फ़र्क किया जाएगा क्या? समझने की कोशिश नहीं की, ये असल में आपका तासुर है। सवाल ये है कि हकीकत क्या है, बातिन में क्या चीज़ है, यानी उनके लिए मज़हब कोई वाकई चीज़ थी, वो उसको संजीदा तौर पर देखना चाह रहे थे, उनके सामने कुछ सवालात आए और उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया था, उनको कोई खटक पैदा हुई या नहीं हुई, ये इतने सवालात हैं जो आपके इस छोटे और सादा से जुमले के पीछे मौजूद हैं। तो इस कायनात का खालिक ही इसका फ़ैसला करेगा कि किसी ने क्या किया है। इसलिए मेरी इस मामले में बड़ी मौद्दबाना गुजारिश होती है कि लोगों को ज़ाहिर में देख के उनके तकाबुल करने की बजाय अपने गिरेबान में मुझे भी और आपको भी मुंह डाल के देखना चाहिए कि हमें क्या सूरत हाल दरपेश है। हमने समझने की कोशिश की है, हमारे सामने कोई सवाल आया है, तो ज़्यादा वक्त इसमें सर्व करना चाहिए। इंसानों को जानना बहुत मुश्किल काम है, किसी इंसान पर क्या मराहल आए, किन किन मरहलों से गुज़रा। बारह ऐसा होता है कि बरसों से आपका किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ है, आप उससे बातें भी करते हैं, उसके पास वक्त भी गुजारते हैं, लेकिन एक ख़ास मौके पर पता चलता है कि उसके अंदर क्या गुज़र रही थी, उसके साथ क्या मामलात हो रहे थे। तो ये ऐसे देख के सादा सादा बातों का हम तकाबुल करते रहते हैं, इसकी बुनियाद पर हकायक तब्दील नहीं हो जाते। उसूली बात यह है कि हर आदमी को अल्लाह ताला ने जितना शऊर दिया है, जितना इल्म दिया है, उसके लिहाज से वो जवाब दे है। इसको बतौर उसूल, बतौर कायदा कुलिया बयान कर दिया गया है कि ले यबलोअकुम फ़ी मा आताकुम, जो खुदा ने दिया है उसी में पूछेगा भी। बहुत अच्छी बात सर। एहसन इकबाल साहब, आपका सवाल नेक्स्ट है, आपके स्क्रीन पे पॉपअप डिस्प्ले होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल पर्दे के मुतल्लिक है। आपने अपनी एक नशिस्त में फरमाया कि हिजाब या पर्दे का लफ्ज़ कुरान और हदीस के पूरे ज़खीरे में इस मतलब में इस्तेमाल नहीं हुआ जिस मतलब में हमारी फ़िक्का में इस्तेमाल होता है, लेकिन सही बुखारी की एक हदीस में आया है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक गजवा के मौके पर जब वो पीछे रह गईं तो सहाबी को देखकर उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया, तो उस हदीस में उन्होंने हिजाब और जिलबाब के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चेहरे को छुपाने के लिए। और आपने गालबन ये भी फरमाया कि जिलबाब के लफ्ज़ से चेहरे का पर्दा लाजिम नहीं आता, लेकिन इस हदीस से पता चलता है कि आयशा ने अपना चेहरा छुपा लिया था, तो ये इसकी आप वजाहत फरमा दें। मैंने अभी हाल में कई घंटे की गुफ्तगू की है और उसमें इस मौजू से मतलब जो लोग मेरे बाज़ अफकार पर मोतरज हैं उनका बड़ा तफसीली जवाब दिया है, एक एक चीज़ पर अलग अलग गुफ्तगू की है। मेरी बड़ी मौद्दबाना दरख्वास्त है कि अगर आपको इस पे इश्कालात हैं तो सुन लीजिए। उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो एक पूरी नशस्त इस पर है कि अजवाज मुताहरात के लिए हिजाब का हुक्म भी था, उनको पाबंद भी किया गया, और ये जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये असलन उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुए थे। आयते जिलबाब पर भी मुझे याद पड़ता है कम से कम दो नशस्तों में मैंने ये बताया है कि वो क्या हुक्म दे रही थी, उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से था। तो मेरी गुजारिश ये है कि उसको सुन लीजिए, और अगर इसके बाद भी इत्मीनान ना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पैगंबर नहीं हूँ, ना मेरी बात मानना ज़रूरी है, जो बात आपकी समझ में आए उस पर अमल कीजिए। जी, ये जिन वीडियोज़ का गांधी साहब हवाला दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्स टू 23 क्वेश्चंस की वीडियोज़ हैं, ये एस्क गांधी की ऐप में भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक पे भी आई थिंक अवेलेबल हैं। अगला सवाल है हमारे पास समारा हारून साहिबा का। समारा साहिबा, आप अपना सवाल कर सकती हैं, आपका माइक अनम्यूट हो तो फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपकी सेहत के लिए बहुत दुआगो हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा जरिया हैं आज के दौर में हमारी रहनुमाई का। मेरा सवाल ये है सर कि क्या एक मुसलमान औरत के लिए जायज़ है कि वो ये वसीयत करे कि उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, मसलन आँखें और दिल वगैरह,
और क्या कोई मुसलमान मर्द भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि औरत के लिए ये है कि हो सकता है कोई नामहरम उसको हैंडल करे। शुक्रिया। महरम नामहरम के सारे मामलात ज़िंदगी के साथ हैं मेरी बहन, वह इन ऑर्गन्स के साथ मुतल्लक नहीं हैं। तो इस वजह से अगर आपके किसी उज़्व से या किसी मर्द के या किसी दूसरे शख्स के किसी उज़्व से किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है तो ये इन्फाक की एक किस्म है। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिख दिया है, मेरी किताब मकामात में है, और अगर उर्दू में पढ़ने में दिक्कत हो तो वो अंग्रेज़ी में तर्जमा शुदा भी मौजूद है। सिलेक्टेड एसेज में उस मज़मून का तर्जमा कर दिया गया है। जो एतराज़ात होते हैं उनका जवाब मैंने दे दिया है उसमें, उसको पढ़ लीजिए। मेरे नज़दीक जिस तरह आप अपने माल के बारे में वसीयत कर सकते हैं उसी तरह अपने जिस्म के बारे में वसीयत कर सकते हैं। इसमें जितने चीज़ें भी लोगों ने कही हैं अब तक या उलमा ने कही हैं उन पर मैंने उसमें तबसरा कर दिया है। जी, तो gandhi.org/books पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ से आपको बुक स्टोर बुक स्टोर में आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं किताबों को। यहाँ पर हमारी नशस्त का टाइम ख़त्म होता है। एज़ गांधी लाइव की ये पहली नशस्त थी, और मैं माज़रत चाहता हूँ उन लोगों से जो जिन्होंने रजिस्टर किया मगर उनकी आज बारी नहीं आ सकी। मगर मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस सिलसिले को आगे जारी रखा जाए, और इंशाल्लाह इसकी मज़ीद नशस्तें जो है वो मुनक्किद की जाएँ ताकि आप लोगों के पास मौका हो, आप गांधी साहब से सवाल डायरेक्टली कर सकें। इसके अलावा आप एज़ गांधी ऐप में लिख कर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि गांधी साहब ने अगर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो है उनकी या कोई मज़मून है या कोई किताब का कोई हवाला, वो हम आपके साथ शेयर करें वहाँ पे, ताकि आपके पास जो है गांधी साहब की बात पहुँच जाए। एज़ गांधी प्लेटफॉर्म जो है उसका मकसद हमारे लिए ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी तश्कील दे पाएँ जिसमें हम सब मिल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद से दीन को सीखें, समझें, आगे बढ़ें, और जहाँ कहीं मुमकिन हो गांधी साहब की रहनुमाई हासिल करें। तो इसमें अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई सवाल है जिसमें आप गांधी साहब की कोई वीडियो आप जानते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है तो आप शेयर कर सकते हैं, या अपना कोई कमेंट आप शेयर कर सकते हैं, तो ये एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, इसको इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम सब इससे फ़ायदा उठाएँगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।